जो सुधर जाए वो चीन कहाँ? पड़ोसी मुल्क के लिए अगर ये लाइन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिनपिंग सरकार को ना डर है और ना शर्म। भारत से बार बार लताड़ खाने के बाद भी ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। खासकर भारत के राज अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की ऊटपटांग हरकतें खत्म नहीं होती। ताजा मामला यह है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। चीन की तरफ से बाकायदा इन नामों की लिस्ट जारी की गई है, जिसे चीनी विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। ये पहली बार नहीं है जब चीन की तरफ से अरुणाचल पर दावा दिखाते हुए यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र के नाम से छेड़छाड़ की गई है। अरुणाचल को लेकर चीन की ये चौथी लिस्ट है और इस बेसिर पैर की खबर को चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में प्रमुखता से छापा गया है। ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि जंगनान में भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की गई है। ये सूची चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने जारी की है। नए नामों की सूची 1 मई से प्रभावी होंगे। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को जंगनान कहता है और इस पर दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में अपना दावा करता है। अब चीन के इस दुस्साहस को भला क्या कहा जाए, जिस सूबे से उसका कोई लेना देना ही नहीं, उसके नाम में बदलाव करने का क्या मतलब बनता है? मगर चीन है कि मानता नहीं। हालांकि चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के जगहों का नाम बदलने की कवायद को भारत खारिज करता रहा है। भारत का साफ तौर से ये कहना है कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और चीन की तरफ से काल्पनिक नाम रखने से सच्चाई में कोई बदलाव नहीं आएगा। मगर चीन हर कुछ दिन पर ऐसी कोई न कोई ऊटपटांग हरकत करता ही रहता है, जिसकी वजह से उसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी बेइज्जती झेलनी पड़ती है। अरुणाचल के नामों से छेड़छाड़ की हालिया हरकत पर चीन को अमेरिका ने भी खरी खोटी सुनाई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में सीधे सीधे कहा गया कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है और हम वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार सैन्य या असैन्य घुसपैठ और अतिक्रमण के जरिए क्षेत्रीय दावा करने के किसी भी एक तरफा प्रयास का विरोध करते हैं। भारत के हक में दिए अमेरिका के इस बयान से चीन और चिढ़ गया। चीन के विदेश और रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी बयान पर एतराज जताया और चीन भारत सीमा विवाद को दोनों देशों के बीच का मामला बताते हुए अमेरिका को इससे दूर रहने की हिदायत देने लगा। लेकिन सवाल यह है कि चारों तरफ से दबाव पड़ने के बावजूद आखिर चीन का दुस्साहस खत्म क्यों नहीं होता? चीन ने अरुणाचल के नामों में पहली बार 2017 में बदलाव किया था। चीनी नागरिक मंत्रालय की पहली लिस्ट में 6 जगहों के नाम थे, जबकि 2021 में जारी दूसरी लिस्ट में 15 जगहों के नाम थे और साल 2023 में 11 जगहों के नाम की लिस्ट जारी की गई। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश पर दावों को लेकर चीन की हालिया बयानबाजी उस वक्त शुरू हुई जब 9 मार्च को नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे। इस दौरे में प्रधानमंत्री ने अरुणाचल में 13,000 फुट की ऊंचाई पर बनी सेला सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था। पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे को लेकर चीन ने भारत के साथ राजनयिक विरोध दर्ज कराया था। चीन के विदेश और रक्षा मंत्रालय ने अरुणाचल पर चीन का दावा पेश करते हुए बयान जारी किए थे, जिसका भारत की तरफ से कड़ा विरोध जताया गया था। मगर ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार लताड़ खाने के बाद भी ड्रैगन के आग उगलने की आदतें खत्म नहीं हो रही। सरहद पर चीन की चालबाजियां हैं कि थमने का नाम नहीं लेती। चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम अपने नक्शे में बदल दिए हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन ने इस तरीके की करतूत को अंजाम दिया है। कुछ दिनों पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर बयान दिया था, जिसे भारत ने बेतुका बताते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया था। हालांकि भारत कई बार चीन के सामने साफ कर चुका है कि नक्शों पर नाम बदलने से जमीन की हकीकत नहीं बदलती। चीन को भारतीय विदेश मंत्री का करारा जवाब, ये बड़ी जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन पर एक पलटवार है। नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है, ये कहना। चीन को भारतीय विदेश मंत्री का करारा जवाब दिया जाना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर पलटवार किया है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, तो ये बड़ी जानकारी और बड़ा पलटवार चीन पर। मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, तो ये नया नाम बदलने से कुछ नहीं होता।